YouTube पर पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर ये बताया जा रहा है कि लुब्रिकेंट का जो बिजनेस है वो कैसे किया जा सकता है और किस तरह से अगर आप भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप भी इस लुब्रिकेंट के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, फाउंडर एंड बिजनेस कोच स्टार्टअप अथॉरिटी। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आया हूं लुब्रिकेंट इंजन ऑयल बनाने की कंपनी में, जहां पर लुब्रिकेंट इंजन ऑयल जो है यहां पर बनता है। दोस्तों मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि लुब्रिकेंट इंजन ऑयल आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आज 90% से ज़्यादा लोग इस बिजनेस को जो शुरू कर रहे हैं वो करोड़पति हैं, लेकिन कोई भी इस सीक्रेट को नहीं बताता है। YouTube पर पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर ये बताया जा रहा है कि लुब्रिकेंट का जो बिजनेस है वो कैसे किया जा सकता है और किस तरह से अगर आप भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप भी इस लुब्रिकेंट के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं अपने ब्रांड नेम से, मतलब कि आप भी लुब्रिकेंट का अपनी कंपनी खोल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ। तो दोस्तों जिन्होंने इस पूरे प्लांट को लगाया है आज मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मशीनें हैं वो कैसे काम करती है और किस तरह से अगर आप भी इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पूरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिल सकता है, किस तरह से पैकेजिंग बना सकते हो, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है आप उठा सकते हो, और साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे सेटअप को करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं उस कंपनी के ओनर को। तो मेरे साथ हैं मुकेश जी, जो इस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करके मशीनें या प्लांट जो है वो इन्होंने लगाया है। अब इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तो मुकेश जी बताइए ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। सर जो हमने मशीन बनाया और बना के इनको मैं बेचा हूँ, इसके लिए दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि ये मशीन हमने इनको बेचा हूँ जो ये कंपनी है। तो किसी को भी चाहिए तो हम मशीन उसको दे सकता हूँ, ठीक है, मशीन दे सकता हूँ। और इसमें दो मशीन आती है, दो मशीन, एक फिलिंग मशीन आएगी और एक मशीन ये और आएगी मिक्सिंग की। ओके, तो हम उनको दे सकते हैं। और रॉ मटेरियल की हम जहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा हम उनको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, हर एक चीज़ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और जो फिलिंग मशीन है उसको चला के भी आपको दिखा सकता हूँ, इसी के लिए लेके आया हूँ चला के दिखाने के लिए। तो दोस्तों देखिए कि ये मशीन जो है यहाँ पर जो दिख रही है, इस मशीन से मिक्सिंग किया जाता है। रॉ मटेरियल कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह का रॉ मटेरियल हो सकता है। इस मशीन से एक बार जब मिक्सिंग हो जाता है तो आपको इस तरह के कंटेनर्स मिलेंगे, इस तरह के कंटेनर्स में फिल करेंगे और कंटेनर में फिल करने के से यहां पे मशीन है कि वहां पे फिलिंग कैसे किया जाता है। तो अब दिखाता हूं कि इन सब डब्बों में किस तरह से फिलिंग किया जाता है, फिक्स वेट के हिसाब से, फिक्स एमएल के हिसाब से। दोस्तों अगर आपको इस तरह के डब्बे की भी जरूरत है तो आपको मिल जाएगा, जिस कंपनी से आप मशीनरी परचेज करेंगे वही कंपनी आपको दिलवा सकती है। इसके अलावा इस पर जो भी ब्रांड आप इस पर चाहते हैं उस ब्रांड के साथ भी ये चीज़ें बनाई जा सकती है। तो अब इसको किस तरह से इसमें पैकेजिंग, किस तरह से इसमें मटेरियल डाला जाता है और फिलिंग मशीन कैसे काम करती है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। इस फिलिंग मशीन से इन सब डब्बों में मटेरियल को फिल किया जाता है और किसी को कोई भी वाटर भी फिलिंग करना है तो भी ये मशीन काम आएगी, ऑयल भी फिलिंग करना है तो भी काम आएगी, किसी भी प्रकार की लिक्विड फिलिंग के लिए हमको मशीन हम प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब कि आप अगर लुब्रिकेंट इंजन ऑयल के बिजनेस में हैं तो ही सिर्फ ये मशीन काम की नहीं है, अगर आप किसी भी सेगमेंट में काम करते हैं, चाहे वो तेल बनाते हैं किसी भी तरह का तेल, सरसों ऑयल या इस तरह की फिलिंग करते हैं, उसमें भी ये काम करेगा, वाटर में भी ये काम करने वाला है। हाँ, वाटर में भी ये काम करेगा। इसके अलावा आप लिक्विड से रिलेटेड किसी भी काम को करते हैं, जहां पर आपको किसी बोतल के अंदर पैकेज करना है उस समय ये मशीनरी जो है आपके लिए सुपर साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये मशीनरी काम कैसे करती है। सर बताइए। हाँ,
तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, इसमें हमने इस ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा फिल कर दिया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें उड़ेल देता हूँ। दोस्तों ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप भी अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे ये जो दो पाइप लगाया गया है इसके नीचे आपको इसको रख देना है। इसको रखने के बाद से ये वाला जो बटन है इस बटन को प्रेस कर देना है। यहाँ सेटिंग करी जा चुकी है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है ऑटोमेटिक फिलिंग हो जाएगी। बस तो ये जो है आपका फिलिंग होके तैयार हो गया है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो है इसको बंद करना है, इसके ऊपर यहाँ पर लेबल चिपकाना है और लेबल चिपका करके इसको मार्केट में उतार देना है। इसके अलावा इसमें और कोई भी काम नहीं है। तो अब हम लेकर के चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप इस प्लांट को अगर बैठाना चाहते हैं तो कैसे बैठा सकते हैं। तो चलिए सीधे लेकर के बात करते हैं कंपनी के मालिक से। दोस्तों मैंने जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया कि लुब्रिकेंट इंजन ऑयल कैसे बनता है, भारत में पहली बार ये चीज बताई जा रही है किसी भी चैनल पे कि लुब्रिकेंट इंजन ऑयल कैसे बनता है, और साथ साथ लुब्रिकेंट इंजन ऑयल का अगर आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, अपना खुद का प्लांट बनाना चाहते हैं, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, सब कुछ आज हम जानते हैं इस कंपनी के ओनर से, जो आपके लिए प्लांट लगाने का काम करेंगे। तो मेरे साथ है मुकेश जी। मुकेश जी सबसे पहले ये बताइए कि जो आप प्लांट लगा रहे हैं, इस टोटल प्लांट को लगाने में कितना खर्चा आता है? सर इस प्लांट को लगाने में, मशीनरी बना के देने में कम से कम 5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, और इससे बड़ा भी प्लांट लगेगा तो और भी ज्यादा बड़ा इन्वेस्ट हो सकता है। मतलब मशीनरी का 5 लाख? हाँ, मिनिमम 5 लाख का है। ओके, तो दोस्तों सिर्फ 5 लाख में आप अपने खुद का लुब्रिकेंट इंजन ऑयल की कंपनी बना सकते हैं अपने ब्रांड नेम से। इसके बाद रॉ मटेरियल जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, अधिकतर आपने देखा होगा सर, रॉ मटेरियल इस्तेमाल जो किया जाता है, रॉ मटेरियल जो कंपनी बनाती है उससे हम, जो हमसे मशीन खरीदेगा उससे हम उसका अटैच करवा देंगे। रॉ मटेरियल मिलने के लिए फुल सीओटी लेता हूं कि उससे हम आपके बात करवा देंगे, मिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, उनसे हम मिलवा देंगे। ओके, तो इसमें जो क्वालिटी वाइज जो कंसेप्ट आता है कि जैसे लुब्रिकेंट ऑयल में बहुत सारी कंपनियां अभी भी हैं, तो अगर हमें बेटर क्वालिटी का लुब्रिकेंट ऑयल बनाना है तो वो सर जिससे मैं आपकी मिलवा दूंगा, जो कस्टमर को मैं, जो कंपनी बनाती है क्वालिटी चाहे सप्लाई करती है लुब्रिकेंट, वो बताएगी कि कैसा क्वालिटी है, वो आपको सारी चीज इंफॉर्मेशन वो दे देगा। ओके, हम मशीन देते हैं। ओके, सो दोस्तों कहने का मतलब साफ है यहाँ पे कि अगर आप लुब्रिकेंट इंजन ऑयल बिजनेस में जाते हैं तो आपको रॉ मटेरियल जिस कंपनी के थ्रू मिलेगा, रॉ मटेरियल में ऑयल से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है वो जहां से मिलेगा, जिस जिस क्वालिटी का लेंगे उसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी भी होगा तो उसका पैसे थोड़ा सा ज्यादा लगेंगे, लोअर क्वालिटी होगा उसके पैसे थोड़े से कम लगेंगे, तो आप वहां से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के समय में ये जो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट लगभग होता है? सर इस बिजनेस में, इस मशीन को बैठाने में, इस मशीन जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं, बैठा देते हैं, अपना सेटअप चालू कर लेते हैं, तो कम से कम मिनिमम 30% का आपको इसमें बेनिफिट है। 30% का मिनिमम 30% का। ओके, और दोस्तों यही कारण है कि लुब्रिकेंट इंजन ऑयल के बिजनेस में बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन जो भी जाता है वो करोड़पति इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे 15 से 30% तक का सबसे बड़ा चीज है, मार्जिन मिलता है। और दूसरा, आज के समय में एक सिचुएशन आ रहा है कि लोग इंजन ऑयल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आप किसी भी तरह का व्हीकल लेके चल रहे हैं, चाहे डीजल वाला, पेट्रोल वाला या फिर इलेक्ट्रिक वाला, कोई भी इंजन लेके चलेंगे, लुब्रिकेंट ऑयल का इस्तेमाल लगभग होगा क्योंकि वो कई जगह पे रिक्वायरमेंट उसकी होगी, तो वो चलता रहेगा। तो यानी कि बिजनेस आज भी शुरू करेंगे या कल कभी भी, तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा थोड़ा सा मुझे आप ये बता दो कि आप कहाँ कहाँ, किस किस जगह पे ये चीजें करवा सकते हो, इंस्टॉलेशन करवा सकते हो, बैठा सकते हो? हम इंस्टॉलेशन इसका पूरे भारत में
आपके नेपाल में, भूटान में, हर जगह इसका मशीन हम इंस्टॉल करके बना के और दे सकता हूँ और सर्विस प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो इसके इंस्टॉलेशन का भी कोई सिस्टम होता है या फिर इजी टू इंस्टॉल होता है, कहीं भी कोई कर नहीं सकता? नहीं, इंस्टॉलेशन का जो हमारा का इंजीनियर जाएगा, उस इंजीनियर का आने जाने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस और फूड अलाउंस आपको देना पड़ेगा, आपके जगह जाके सेटअप करके दे देगा, चालू करके प्लांट को दे देगा। ओके, अब एक चीज होता है जो सपोर्ट सिस्टम की बात आती है, जैसे मान लीजिए कि सिस्टम प्लांट बैठ गया है, वर्क स्टार्ट हो गया है और बार बार मशीनरी में कई बार प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा नहीं आने देंगे सर। ऐसा हम पूरा ट्रायल करके मशीन देते हैं, मशीन को पूरी ट्रायल करके देते हैं और बार बार कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कभी आती है तो उसका हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ अपना इंजीनियर भेजते हैं, उसको मशीन को सही करके आएगा, वो आएगा, उसका आने जाने का जो भी खर्चा है पार्टी को देना पड़ता है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे आपको लगभग अब हर चीज की जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो में कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगना है, इसको बनाया कैसे जाता है, प्लांट्स कहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ आना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है? यहाँ आना चाहता है तो हमारा एड्रेस है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया, प्लाट नंबर 930, मड़वारी टायर वाली गली, नियर बाई मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया, मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपके नीचे दिए रहे होंगे, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, साथ ही साथ यहाँ पर नीचे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस पूरे प्लांट को बैठाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको इसकी ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी तो ट्रेनिंग भी अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लुब्रिकेंट इंजन ऑयल का बिजनेस कैसे करते हैं, कितना इसमें खर्चा लगता है और किस तरह से आप भी अपने ब्रांड नेम से इस बिजनेस को, उसका जो भी आपका डब्बा है, जो भी स्टिकर है, हम हर एक उसका मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे, मशीनरी जो है हम आपको लगा के देंगे, रॉ मटेरियल जो है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके दोस्तों, अब बात आती है कि जब आप इंजन ऑयल ले लेते हैं, इंजन ऑयल का रॉ मटेरियल ले लेते हैं, तो उसके बाद आपको पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है। पैकेजिंग के लिए उसके लिए डब्बों की जरूरत पड़ती है और भी तरह की वेराइटीज की जरूरत पड़ती है, स्टिकर्स की जरूरत पड़ती है, तो उन स्टिकर्स को हम कहां से ले सकते हैं, क्या आप उसको प्रोवाइड करते हैं? हम प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, मतलब आप थर्ड पार्टी से? हाँ, थर्ड पार्टी से हम प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड पार्टी से सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, मशीनरी जितनी भी है वो सारे इस कंपनी से मिल जाएगा, रॉ मटेरियल जो है वो ऑलरेडी इस कंपनी से मिल जाएगा, इसके अलावा बाकी का जो चीज है वो आपको बेस्ट वेंडर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके एरिया में उस प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सकेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंप्लीट बिजनेस समझ में आ गया होगा कि लुब्रिकेंट इंजन ऑयल का बिजनेस कैसे करते हैं। अगर आप इस चैनल को पर अभी तक बने हुए हैं तो इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय भारत।